बाबा केदारनाथ जी की डोली पहुंची गौरीकुंड माँ गौरी जी के पावन प्रांगण में। विश्राम के बाद सोनप्रयाग से होकर रात्रि विश्राम रामपुर में किया गया। इस बार की यात्रा का अंतिम दिन दर्शनार्थियों के लिए शुभ रहा। साथ ही कई क्षेत्रों में यात्रा के बाद वहां का माहौल सुनसान हो जाता है। बाबा के दर्शन अब के ओंकारेश्वर महादेव उठी मठ में किए जाएंगे। 6 महीने तक भारतीय हितरक्षक पत्रिका BHP न्यूज इस लाइव प्रसारण और इस महत्वपूर्ण पर्व का साक्षी रहेगा। सौभाग्य है हमारा बाबा केदारनाथ जी की सेवा में इसी प्रकार मौका मिलता है। आप देख सकते हैं, आप देख चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी जो माता बहनें यहाँ पे खड़ी हैं, बाबा केदारनाथ गौरीकुंड माँ गौरी के पावन स्थल पे पहुँच चुके हैं। माँ गौरी माता यहाँ पे जो है कि विश्राम कर चुके हैं। साथ में देख रहे हैं यहाँ पे प्रदेश प्रांतों के तमाम देशवासी समस्त समय के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ऑलरेडी माता लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं जो अपनी मामाई माँ गौरी जी के इस पावन स्थल में माता जी कुछ कहना चाहेंगी। मैं चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है बाबा के साथ जय की आपके जय गौरी माता सामने ही बेटे। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, गौरा माता के दर्शन कर रहे हैं। बहुत जब से जन्म हुआ, जब से इस धरती पर हम आए हैं, यहाँ आने की बहुत इच्छा थी हमारी, ये इच्छा आज पूरी हुई और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सबको सुखी रखें, सबको निरोग रखें। और हाँ, हम एक न्यूज़ के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे, अभी हम जिस रोड पे आ रहे थे वहाँ यातायात करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, आप उन हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि आप खुद पैदल चलकर आए यहाँ, गाड़ी में आकर सफ़र करें कि कैसा है यहाँ चल रहा। रोड बिल्कुल खंडर के रूप में चल रही है, इतना खतरनाक है ना, अभी आप पूरी को देखेंगे। तो हम भगवान केदारनाथ से मुझे बहुत बहुत नमन करते हैं और सब परिवार, सब लोग जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय बाबा केदारनाथ, जय हर हर महादेव, वीर बजरंग, हर हर महादेव। इस काम में, इस काम में फल अब जिस फल तरह से आप देख रहे हैं, भगवान जी ने बचाए, सुंदर विचार है। आपने रास्ते की दिक्कतें थी, कई चरे हम पहले भी दिखा चुके हैं इस माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो विकास के जो कार्य थे वो कुछ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ न कुछ कसर तो रही जाती है, क्योंकि इतना 6 महीने की यात्रा चलती है। पर मैं के माध्यम से माता जी ने बात रखी है कि आदरणीय धामी जी यहाँ का जितना भी सौंदर्यकरण हो जाए, जितना भी काम करे हमारे मुख्यमंत्री, हम उनके आभारी रहेंगे और बाबा भोलेनाथ उन पर कृपा बनाए रखें। और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, मुख्यमंत्री जो भी कार्यकर्ता है, सब मिलकर इस रोड का, यहाँ के सौंदर्यकरण का जितने भी हो सके उसका उद्धार करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बने रहे। आपको कैसा लग रहा है आज शिव और शक्ति का दर्शन सामने पे आपको देखने को मिल रहा है? जय अभी तो भाई खाने दे मुझे तो जय हम सभी एक वीर होते हैं जी, अगर जल्दी हमारा ब्लॉग पड़ता है आज ही शाम को मिल जाएगी, यहाँ से बस मिल जाएगी। बहुत सुंदर सुबह यहाँ पे अभी 2:30 बजे और हमने बाबा केदार का दर्शन किया। फिर मैं भी यही बोलती हूँ कि आप मेरे भाई का श्रीमती सारा राय से केदारनाथ विधानसभा से हैं, तो मैं मेरा मैसेज जन कार्य जितने भी यहाँ पे विकासीय कार्य है उन पर मैडम जरूर ध्यान देंगी, ऐसी बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे जो घोड़े खच्चरों का मार्ग में दिखा गया है या कहीं भी जो यात्रियों को कोई दिक्कत होती है तो आगे से कोई नया तरीके का कोई टेक्निक ले जिससे कि मतलब यात्री पैदल हो गया चाहे घोड़े खच्चर वालों को किसी को मिल गया। जरूर सुनेंगी आपकी, जरूर सुनेंगी विधायिका जी आपकी। माता जी आपको कैसे लग रहा है आज शिव और शक्ति का दर्शन आपको यहीं माँ गौरी के पावन प्रांगण में? मोहित क्या रहा है क्या
राम चरित मानस ने माया की बड़े भगवान यह मनुष्य शरीर हमारा साधन का माध्यम और मोक्ष का द्वार है और हमारे लिए केदार बाबा के दर्शन और गौरी माया के दर्शन करके मन के पर ये बड़ा फल पीड़ित शरीर हुआ और जो किए हुए मनुष्य शरीर में छोटे मोटे कर्म अकर्म मैंने जो भी पाप हुए होंगे आज लगता है कि सारे भगवान भोलेनाथ जी ने चीर्ण कर दिए। और इसी तरह हमें मैं 3-4 बार पहले भी केदार बाबा का दर्शन करके आई हूँ, आज भी बड़ी इच्छा थी कि कोरीकुंड में कैसा होता है और भगवान हमारे प्रार्थना सुने, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए और वैराग्य चाहिए और मोह माया से मुक्ति चाहिए, क्योंकि भगवान के मार्ग पहुँचने परमार्थ मार्ग पहुँचने पर ना ये मोह माया पाता डालती है, इसके लिए हमको मार्ग साफ है, भगवान चरणों की भक्ति देना और कृपा बनाए रखना। ये हैं देवभूमि की माताएं, इनके विचार सनातनी हैं और एक कट्टर और शुद्ध हिंदूवादी हैं जिनको कहते हैं एक ज्ञानी माँ। बहुत अच्छे संस्कार होंगे माँ और जो आपके बच्चे होंगे, क्योंकि इतनी मीठे से आपने इस बात को रखा और बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए, ऐसे से मैं भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। माता जी कहाँ से आई? केदारेश्वर भगवान जय देवी आज सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको शिव और शक्ति का दर्शन करने को मिला। हम भी सौभाग्यशाली हैं जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। आज सबसे सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि नमन है देवी की माताओं को, सब सुखी रहे, हमारे जितने भी कोई भी हो सभी सुखी चाहिए। हम बात करते हैं क्योंकि हमारा देश सभी हमारा पूरा विश्व को ही हम मानते हैं अपना, इसलिए सभी खुश से रहे, सुखी से रहे, आरोग्य रहे। जी बिल्कुल सुंदर काम महेंद्र सिंह हर हर बोले दिमागी के साथ।